वाव, व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज सारे काम बहुत वंडरफुल होंगे क्योंकि आज 15th है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। 15th में ऐसी क्या खास बात है? मम्मी आप ये भी भूल गई कि आज मेरा आज संजू का प्ले है, राइट? देखा बेटा, भाई मम्मी तो भूल गई लेकिन तुम्हारे पापा को ये बात याद है। वेरी बैड मम्मी, वेरी वेरी बैड मम्मी, आप ये भी भूल गई। संजू मुझे याद है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो चिढ़ा रही थी तुमको। देखा बेटा, जब आदमी भूल जाता है ना तो बहाने मारता है, मैं तो चिढ़ा रही थी तुमको। यू आर राइट पापा। मम्मी मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तुम्हारा प्ले अलादीन का चिराग आज शाम को 5 बजे तुम्हारे स्कूल के ऑडिटोरियम में है और मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। अब बताओ मुझे याद है कि नहीं? यस मम्मी। देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मम्मी। अच्छा बेटा, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ पापा, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स आने बाकी है। मम्मी पापा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना, जो काम आपसे होता नहीं वो क्यों करते हो? बेटे तुम देख तो रही हो, हम लोग कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ये सब तो हो गए, तैयार है। ये? और ये सब कौन सिलेगा? कौन सिलेगा पापा? मम्मी आपने अब तक मेरे कपड़े सिए नहीं। मम्मी अब जानती हो ना, मैं शहजादी हूँ, शहजादी। अब मैं क्या पहनूंगी? बेटा तुम ये वाला पहन लेना, ये तैयार है, अच्छा लगेगा। ये हेलो संजू। हाँ संजू, क्या हुआ करुणा, तुम्हारे आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ। करुणा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। प्रॉब्लम है तो है ना संजू, मेरे मम्मी पापा ने अभी तक पूरे कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाए, यहाँ तक उन्होंने मेरे कॉस्ट्यूम नहीं बनाया संजू। अब सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, आज प्ले कैसे होगा जब कॉस्ट्यूम्स ही नहीं होंगे? मुझे कितनी शर्म आ रही है। करुणा तुम रो मत। तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? स्माइल, जस्ट स्माइल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। ओके। मेरे पास दुनिया का सबसे तेज टेलर है, सब प्रॉब्लम दूर। आज मेरा मन कहता है कि हमें उस पेंसिल का पता चल ही जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा तो ऐसा ही होगा। क्रिस्टल को जो लगता है वैसा ही होता है। दिख दिख दिख, दिखने दे, दिखने दे, दिखने दे। हाँ देख, सुन सुन सुन, ये ना क्रिस्टल अपना कोट पहन रहा है। जल्दी जल्दी। हेलो मी, पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि पेंसिल का पता हम लगा के आए। अरे सच, एक बार ये पेंसिल का पता लग जाए ना, उसके बाद में बॉस अपनी इज्जत करने लगेंगे और फिर ये चंबो और क्रिस्टल तो रह जाएंगे लड्डू, हम खाएंगे लड्डू। हे बाबा मेर कर, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। टिटो तू क्या कर रहा है? पार्थो देख यार, तू तो पढ़ाई में काफी अच्छा है, तू तो बड़ा होके कोई जॉब शॉप कर लेगा या फिर बिजनेस कर लेगा, मेरा क्या होगा? मैं तो पढ़ाई में बहुत बेकार हूँ यार। तो मल में क्या प्रे कर रहा था? मैं ये प्रे कर रहा था कि आज कोई बड़ा सा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मेरा प्ले देख ले और प्ले देखने के बाद मेरी एक्टिंग से इतना इंप्रेस हो जाए कि मुझे चाइल्ड हीरो बना दे, बस फिर इस पढ़ाई के झंझट से छुटकारा मिले। एक्टिंग में भी लाइन्स में बात करनी पड़ती है। अरे उसमें तो बहुत मजा आता है यार, अभी अपना प्ले ले ले, उसकी सारी की सारी लाइन्स मुझे आ गई। तू चिंता मत कर, आज तेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और तू हीरो भी बन जाएगा। आफ्टर ऑल तेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। अरे यार तू तो जिन। हाँ यार, लेकिन बस तू ये मना कि मेरी मम्मी मेरा प्ले देख के मेरी एक्टिंग से इतनी खुश हो जाए कि वो टेस्ट वेस्ट के बारे में सब कुछ भूल जाए। काजोम कबाजोम, जादूगर मगरबी ने ये कहा है तो वो ही हो रहा है। ये अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो लो। यस मैम।
है संजू। हाय करुणा। संजू मुझे एक बात समझ में नहीं आया, जब मेरे मम्मी पापा ने सील पाए तो तुम कैसे? प्लीज करुणा, मैं तुमसे कहा ना कि शहर का सबसे फास्ट टेलर है मेरे पास, तो नहीं बैठोगी? आई श्योर। आई एम श्योर। अच्छा अब तुम जाओ और शहजादी बनने के लिए रेडी हो जाओ। ओके बाय बाय। संजू कि तुम्हारे टीना बहुत फास्ट है। हाँ। तो एक काम करना, उसे कहना मैं शहजादी वाले ड्रेस में खूब सारे ट्विंकल स्टार्स लगा दे। ओके क्या? अगर वो इतना ही फास्ट है वो तो कुछ भी कर सकता है, क्यों? ओके मैं उसे कह देता हूँ। अच्छा अब तुम जाओ। ओके तो आप स्कूल में चलो टेलर मास्टर, अब हमें सिर्फ कपड़े नहीं स्टार्स भी बनाने। 4,01,000, 4,02,000, 4,03,000, 4,04,000। बॉस 4,00,000। आप फिर से पैसे गिन रहे हैं। फिर से मतलब? अभी एक घंटा पहले मैं आई थी तब भी आप यही कर रहे थे। अब क्या बताओ, मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 5,00,000 रुपए है। अगर मैंने इसे 4 बार गिना 20,00,000 हो जाएंगे। Come on, boss. 5,00,000 को 5 बार गिनने से 20,00,000 थोड़े हो जाएंगे। तुम तो जानती हो स्वीटी, आजकल हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, कहीं से कोई पेमेंट नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा तरीका मेरे पास है नहीं अपने पैसे बढ़ाने का। बॉस तरीका तो है लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा कौन सा तरीका? पता उसका एड्रेस नाम पता है कुछ? बॉस एड्रेस और नाम पता तो वही है, अगर जादुई पेंसिल हमारे पास होती तो आज हमें रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होती। स्वीटी चंगू मंगू कालीचरण घटकरण सब तो उस पेंसिल के पीछे लगे, मगर अफसोस अभी तक वो पेंसिल हमारे हाथ नहीं लगी। वही तो बॉस, उन सबसे कुछ नहीं हो रहा है, और वैसे भी अगर जंगल का राजा लकड़ बग्घे और लोमड़ियों को शिकार पर भेजेगा तो खाएगा क्या? Yes, you're right. और वैसे भी बॉस टाइगर को ही तो पता है कि उसको कैसा शिकार चाहिए, जंगल के राजा को खुद पेंसिल के शिकार पर जाना चाहिए। टाइगर। और टाइगर अकेला नहीं जाएगा, अपनी टाइगर रिस्क ले जाएगा। नहीं नहीं बॉस मैं नहीं चल सकती। तो ठीक है हम लोग बात के चलेंगे। नहीं बॉस मेरे पास शिकार वाले कपड़े नहीं है ना। कल तो तुमने इतने सारे कपड़े खरीदे थे, उन्हें पहन लेना। हाँ लेकिन वो सब पार्टी वाली ड्रेसेस थी, वो शिकार वाली ड्रेस नहीं थी ना। तो ठीक है तुम चलो मेरे साथ। क्या शिकार वाली ड्रेस लेने के लिए जाएंगे? नहीं कपड़ों का शिकार करने। यस कम ऑन फॉलो मी। हे उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठाओ। अरे यार ये कोई फोन उठा नहीं रहा, बॉस को मोबाइल पे फोन करूं क्या? नहीं 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 वो देख वो क्रिस्टल जा रहा है। आजा उसका पीछा करते हैं। चल चल चल। ओ गॉड प्ले शुरू में तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है। वेल कम ऑन जल्दी करो बा। अरे पार्थो तू ऐसे घड़ी घड़ी चल क्यों रहा है? तू मुझे नर्वस फील करा रहा है। नर्वस तो फील करना ही चाहिए, वहाँ प्ले शुरू होने वाला है और यहाँ कॉस्ट्यूम ही नहीं है। करुणा तुम्हारे पेरेंट्स कॉस्ट्यूम का कुछ? ऋतु संजू कॉस्ट्यूम लाता ही होगा, और वैसे भी प्ले शुरू होने में उतना डर है। तुझे क्या, तुझे तो एक पगड़ी पहननी है और एक पैजामा पहनना। मेरा सोचो आई एम द ग्रेट जादूगर। मुझे नहीं लगता ये शो हो पाएगा। चल तू पॉजिटिव बात कर, नहीं तो चुप बैठ, हमेशा नेगेटिव सोचता है। तुम लोगों को संजू की साइड लेनी है तो लो, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये प्ले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। चल तू तो प्लीज चुप बैठेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।